अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हाशिम महमूद पिजन। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। ये बैसाख की तैयारी की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। ये मैंने जो है कबूतर अपने जाल के ऊपर छोड़ दी हैं। 5 दिन के बाद छठे दिन, जुलाब के छठे दिन जो है, मैंने इनको आज बाहर निकाला। आपने कबूतरों को दिन के 11 बजे बाहर निकालना है और 1 बजे उनको जो है दाना दे के अंदर कर लेना है। 1 बजे आपने उनको जाल के अंदर करके दाना दे देना है। इससे लेट नहीं करना, सिर्फ 2 घंटे बहुत हैं। इसके दरमियान वो उड़ेंगे, ठापे छापे मारेंगे और उनकी जो है सांस बहाल हो जाएगी। और एक और बात मैं आपको बताता जाऊं कि नर मादियां इकट्ठे निकाल देनी है। पहले 5 दिन जो है मैं इनके पार जो है, पहले 4 पार इनके मैंने बांधे हैं। 4 पार बांधने के बाद मैंने इनको बाहर छोड़ा, ताकि ये कबूतर इनमें से कोई उड़ता भी है तो वो 2-4-5 चक्कर लेके 5-10 मिनट उड़ के बैठ जाएगा, वो जोर नहीं लगाएगा वो, क्योंकि अगर पर खुले भी होंगे तो ये हाइट पकड़ेंगे, जिसम इनके जो है फूले हुए हैं और ये जाया हो जाएंगे। इसके लिए आपने इनको जो है बस आराम से जो है बाहर निकालना है। इनको डराना बिल्कुल भी नहीं है, डंडे के साथ बिल्कुल नहीं डराना। अपनी मर्जी से जो कि उड़ता है उसको उड़ने दें और नर मादियों को इकट्ठा निकालें पहले 5 दिन। उसके बाद इनके पर खोल दूंगा। 5 दिनों के बाद इनके पर खोल के तो फिर इनको जो है 2 दिन वैसे बिठा के जाल पे फिर हल्का सा डराना शुरू किया जाएगा। वैसे तो मेरे सारे पक्के कबूतर हैं, पिछले सीजन के हैं, लगे हुए कबूतर। ये आप शौक करें इनका, अगर आपको ये नजर आए तो जाल के अंदर भी कबूतर खोलने हैं हमने, ताकि अंदर कबूतर होंगे तो कबूतर उससे डर के उड़ता नहीं है। ये देखें, ये बैठे हुए हैं सारे। अभी ये थोड़े निकाले हैं, थोड़े देर के बाद जो है थोड़े से इनको और भी कबूतरों के ऐड करेंगे। मैं कि पुराने लगे हुए कबूतर हैं, वो भी किसी दिन आपको मैं दिखाऊंगा नाइट व्यू में कि हम इनको रात में किस तरह से पक्का करते हैं नाइट ट्रेनिंग। वो भी मैं वीडियो आपके साथ बना के शेयर करूंगा कि लाइटों में हमने कबूतरों को ट्रेन किस तरह करना है। आप भी अपने कबूतरों को इस तरह 11 बजे बाहर निकालें और उनको बिल्कुल ड्राई ना। और एक और बहुत ज़रूरी बात कि जब भी आप कबूतरों को बाहर निकालें तो कबूतरों के पास रहें। अगर वो किसी वजह से चील, कवे या किसी चीज़ से डर के उड़ते हैं तो आप उसके ऊपर नजर रखिए, उसको हल्का सा नीचे से कबूतरों को हिला के छेड़ लगा के उसको बिठा लें और छत के ऊपर पानी का एक खुला बर्तन जो है वो रख दें उसके अंदर, ताकि कबूतर नहाए शहे भी, उससे भी कबूतरों के पर खुलते हैं, जिसम मजबूत होता है। पहले 5 दिन आपने इस तरह करना है, उसके बाद फिर मैं आगे किस तरह लेके चल रहा है वो भी आपके साथ एक वीडियो पर आके शेयर करूंगा। आप ये देखें, इनके जो है मैं लाल रंग लगाया है नीचे, ताकि ऊपर उड़ते हुए महसूस हो सके, हमें पता चल जाए आसमान में कबूतर बहुत ज्यादा हमारे, तो कबूतर को ऊपर से जो है ढूंढना भी एक फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। रंग की वजह से आसानी से पहचान हो जाती है। आप ये देखें थोड़ा, मैं ये जिस तरह ये देखें उड़ रहे हैं, खुद ही उड़ेंगे, खुद ही बैठेंगे, हमने इनको नहीं कुछ करना। ये देखें जाल के ऊपर, ये थोड़ा मैं क्लोज करके आपको दिखाता हूँ, ये सब बैठे। ये पहला दिन है आज इनका, ये बाहर निकालें, आगे देखें इनकी क्या प्रोग्रेस रहती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के ऊपर क्लिक करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप दोस्तों के साथ सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।